अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम स्टेट में सॉरी सब्जेक्ट अकाउंट में पार्ट टू में पार्ट थ्री सीखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर वन सेमेस्टर टू के पार्ट में पार्ट थ्री सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखी हुई है ईश्वरलाल लाले लखेल नीचे ने आम नोंदो सुधारवा माटे जरूरी भूल सुधारणा नोंधो लखो। अब यहाँ पर हम भूल सुधारणा कैसे करेंगे, रकम नहीं दी हुई है यहाँ पर, सीधी मामला दिया हुआ है उसके ऊपर से हमको देखना है कि ये एंट्री सही हुई है नहीं हुई है। अगर मामले के हिसाब से एंट्री सही नहीं है तो हमको सुधार कर उसकी सही एंट्री यहाँ पर लिखना है। मामले के हिसाब से हमको देखना है सही एंट्री है या नहीं। किसान खाते थे रोकड़ खाते 7000 किसान खाते सात हज़ार किसान ने चालू मासनो पगार चुकव्यो तेना गलत है या आमनोन, बिल्कुल गलत है। जब हम किसी को तनख्वाह चुकाते हैं तो हम उसके खाते में एंट्री नहीं करते, हम उसकी एंट्री तनख्वाह के खाते में लिखते हैं। हमारे पास ऐसे 1760 कारीगर हो गए, हज़ारों कारीगर हो गए हमारे पास, तो हम हर एक का अलग अलग खाता नहीं बनाएंगे और अलग अलग खाते में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। हम तनख्वाह का पूरा एक खाता बनाते हैं, उसके अंदर सभी का एक कॉलम में सभी के नाम ऐड होते हैं, ये किशन का, ये राम का, ये रहीम का, सबके तनख्वाह की जितनी भी अमाउंट होती है वो उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो तनख्वाह के खाते में उधार किया जाता है, किशन के खाते में उधार नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर तनख्वाह का खाता उधार करेंगे और गलती से जो हमने किशन का खाता उधार कर दिया है उसकी उलट एंट्री यानी जमा कर देंगे। तो यहाँ पर तनख्वाह पगार का खाता उधार, अब हम यहाँ पर लिखेंगे पगार खाते उधार 7000 ते किशन खाते 7000 मामला जो किशन ने पगार आपियो। अब दूसरा नंबर खरीद खाते उधार ते क्लिंटन खाते जमा 9500 की रकम है, 9500 नु मालनू क्लिंटन ने उधार वेचाण कर्यू, गलत एंट्री कर दी है हमने, ऐसी एंट्री सेम पहले भी आई थी। खरीद खाते उधार ते क्लिंटन खाते जमा, तो अब हम यहाँ पर खरीदी का खाता जो गलती से उधार किया था उसको जमा करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर खरीदी नहीं की है, हमने यहाँ पर फरोख किया है 9500 से हमने यहाँ पर फरोख किया है। और क्लिंटन का खाता जो उधार होना चाहिए था जिसके बदले जमा हो गया है, तो क्लिंटन के खाते में डबल रकम लिखेंगे 19000। अब हम आगे बढ़ेंगे खरीद खाते उधार 70100 ते रोकड़ खाते 70100 20000 की कीमत माल 10% व्यापारी वटाव ने 5% रोकड़ वटावे खरीदियो, ये माल के ऊपर नकद छूट और व्यापारी छूट दोनों छूट गिनी जाएगी, क्योंकि हमारे पास नकद, क्योंकि हमने नकद दे दी है, नकद के खाते में पूरे पूरी अमाउंट लिखी हुई है तो हमने नकद दे दी है। अब हम यहाँ पर 20000 ना कीमत नो माल 10% व्यापारी वटाव ने 5% रोकड़ वटावे खरीदियो, देखते हैं रकम सही से काउंट की गई है या नहीं की गई है। 20000 माल के ऊपर 10% की छूट यानी 2000 की छूट, बचाए कितना 18000, 18000 के ऊपर 900 रुपये कम यानी 17100 बचाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही से एंट्री हो गई है यहाँ पर, खरीदी के खाते में 17100 ते रोकड़ खाते 17100 एंट्री सही से हो गई है, लेकिन छूट नहीं गिनी है, छूट गिनना बाकी है, नकद छूट यहाँ पर गिनी जाती है, व्यापारी छूट नहीं गिनी जाती, लेकिन नकद छूट जो हमने 900 रुपये दी थी वो तो गिनी जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मामला जे माल खरीदियो अने और उसके ऊपर व्यापारी वटाव अने रोकड़ वटाव आप्यो और नकद की छूट दी। नंबर 4 दलाली खाते उधार 16000 ते रोकड़ खाते 16000 16000 धंधा माटे मशीनरी खरीदता दलाली ना 16000 धंधा माटे मशीनरी खरीदता दलाली ना चुकव्या तेना
अब हम यहाँ पर दलाली का खाता जो उधार किया है, हमने यहाँ पर दलाली का खाता उधार किया है और नकद का खाता जमा किया है। एक्चुअल में हमने एक मशीन ख़रीदा था और उस मशीन के ऊपर दलाली चुकाई है। अब जब भी हम कारोबार में कोई भी जायदाद खरीदते हैं, जैसे कि मशीन खरीदते हैं, जैसे कि फर्नीचर खरीदते हैं, तो उसको जो जमाने का खर्च लगता है, उसको गोठाने की मजूरी लगती है, उसका मशीनरी खरीदने में किसी को कमीशन दिया हो, दलाली दी हो, तो वो दलाली के खाते में उधार नहीं की जाती, वो मशीन के खाते में साथ में गिनी जाती। ये सब मशीनरी खरीदने के एक साथ खर्चे होते हैं। तो ये हम मशीन के खाते में उधार करेंगे, 16,000 की दलाली दी हमने, और दलाली का खाता जो गलती से उधार कर दिया है उसे हम जमा कर देंगे। मामला जे, मशीन खरीदता दलाली चुकवी। अब नंबर 5, रोकड़ खाते उधार 4500 ते करीना खाते 4500। गया वर्षे मांडीवाड़ेल घालखादना 4500 चारू वर्षे करीना पासे थी मड़िया तेना। करीना एक हमारी कर्जदार थी जिसका कर्ज डूब गया था, लेकिन उसके कारोबार की अभी कंडीशन अच्छी हुई होगी, तो करीना ने हमको पैसा रिटर्न किया है। जब पैसा रिटर्न होता है तो करीना के पास से जो पैसा जाता है वो नकद के खाते में उधार नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोकड़ खाते उधार ते करीना खाते जमा, गया वर्षे मांडीवाड़ेल घालखादना 4500 चालू वर्षे करीना पासे थी मड़िया तेना। हमको करीना के पास से पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर रोकड़ का खाता उधार और करीना का खाता जमा किया है। यहाँ पर करीना का खाता नहीं जमा किया जाता। पिछले साल हमने किसी को कर्ज दिया था, करीना थी, वो करीना जिसका पैसा डूब गया था, जिसके पास हमारा पैसा डूब गया था, डूबा हुआ कर्ज हमारा था, अब इस साल उसके कारोबार की कंडीशन अच्छी हुई होगी तो उसने हमको पैसा रिटर्न कर दिया है, तो उस वक्त डूबा हुआ कर्ज वापसी के खाते में एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर हम डूबा हुआ कर्ज वापसी के खाते में एंट्री करेंगे, गालखाद परत खाते यहाँ पर जमा होगा 4500 रुपये। गलती से जो हमने करीना का खाता जमा कर दिया है, डूबा हुआ कर्ज वापसी के बदले हमने करीना का खाता जमा कर दिया है, तो उसकी उलट एंट्री करेंगे, करीना का खाता उधार कर देंगे 4500। मामला जे, जो डूबा हुआ कर्ज वापसी के पैसे वापस मिले। नंबर 6, चेताली खाते उधार 6000 ते रोकड़ खाते 6000। रोकड़ खरीदीना 6900 दिए हुए, रोकड़ खरीदीना 6900 चेताली ने चुकविया तेना। खरीदी की है हमने, रोकड़ खरीदी की है 6900 चेताली ने चुकविया तेना। यहाँ पर हमारा खरीदी का खाता उधार होता है, चेताली का खाता उधार नहीं होता। हमने माल खरीदा है जब, और उसके पैसे भी चुका दिए हैं, तो चेताली के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं रहा, तो यहाँ पर लेनदार देवादार का ताल्लुक बनता नहीं है, कर्जदारों के बीच का ताल्लुक नहीं बनता, तो वहाँ पर नाम भी नहीं लिखा जाएगा। खरीदी की, नकद चुकाया, पैसा ख़त्म, बात ख़त्म। अब यहाँ पर नकद के खाते के पैसे चुका, नकद पैसे चुका दिए, खरीदी कर लिए, अब उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। तो यहाँ पर नकद के खाते में, सॉरी, यहाँ पर चेताली का खाता जो गलती से उधार कर दिया था उसको जमा कर दिया जाएगा। मामला जे, चेताली पास, जो चेताली जे के पास से नकद में माल खरीदा, नंबर 7, आवक वेरा खाते उधार 5000 ते बैंक खाते 5000। 5000 आवक वेरा ना चेक थी चुकविया तेना। अभी यहाँ पर आवक वेरा, इनकम टैक्स, ये हमारे कारोबार का इनकम टैक्स नहीं है। आवक वेरा यानी आमदनी का इनकम टैक्स, हमारा खुद का जाती खर्चा, हम जितना भी कमाए उसके ऊपर हमको टैक्स भरना पड़ता है, तो ये हमारा धंधे का खर्चा नहीं है। हम कमाते हैं उसका नफ़ा हमारे को खुद को होता है,
तो ये हमारा जाती खर्च है। अभी हमने कोई कारोबार शुरू किया है तो उससे हमारे को 2000 का, 20000 का, 2 लाख का मुनाफा हुआ है और हमको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, तो ये हमारा खुद का खर्च है। हमने नफ़ा कमाया तो हमारे को खर्च भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवक व्यय के खाते में जो उधार किया है वो आवक व्यय के खाते में उधार नहीं होगा, उपाड़ के खाते में उधार होगा। हमारा जाती खर्च है ये, उपाड़ के खाते में उधार 5000, और गलती से जो आवक व्यय का खाता उधार कर दिया है उसको हम जमा कर देंगे 5000। मामला जे आवक व्यय ना चुकविया, नंबर 8, रोकड़ खाते उधार 1200 ते बैंक खाते उधार जमा 1200, जे 1200 बैंक माती छूटा लीधा तेना, हमारे पास नकद आई है 1200 बैंक में से, बैंक माती छूटा लीधा तेना, तो हमारे पास नकद आई है। एक्चुअली में इसकी नोंद होती ही नहीं है लेकिन फिर भी इसकी नोंद कर दी है, रोकड़ खाते उधार और बैंक खाते जमा कर दिया है। हम उसको उल्टी एंट्री करके उसकी एंट्री को सरभर कर देंगे, बंद कर देंगे ये एंट्री को। एक्चुअली में इसकी एंट्री होती ही नहीं है, ते रोकड़ खाते जमा मामला जे बैंक माथी छूटा लीधा। अब इसके बाद की 2 एंट्री बाकी है वो करेंगे अब हम लोग यहाँ पर। पुष्पा खाते उधार 1800 ते खरीद माल परत खाते 1800, पुष्पाए 1800 ना परत करेला माल नी नोंद खरीद माल परत नोंद मा करी छे। पुष्पा ने 1800 का माल हमको रिटर्न किया, 1800 का माल पुष्पा ने हमको रिटर्न किया। कब रिटर्न किया? जब हमने उसको बेचा होगा तभी उसने हमको रिटर्न किया। हमने उसको माल फरोख किया, उसने हमको वापस दिया, तो जब फरोख किया उसके बाद ही फरोख परत होता है। तो यहाँ पर हमने एंट्री किस में कर दी है? खरीद परत में कर दी है। अब हम ये एंट्री को सही करेंगे। बेचाण परत की एंट्री होती है उधार, खरीद परत की एंट्री होती है जमा। जिस तरह खरीदी उधार और वेचाण जमा, माल बेचते हैं तो जमा होता है, माल बेचा हुआ वापस आता है तो उधार, और खरीदा हुआ माल वापस जाता है तो जमा एंट्री होती है। अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इसकी, नंबर 9, पुष्पा खाते उधार 1800 और खरीद माल परत खाते 1800। तो यहाँ पर हमने खरीद माल परत के खाते को, खरीद माल वापसी के खाते को जो जमा कर दिया है उसको हम सामने उल्टी एंट्री करेंगे, खरीद माल वापसी खाते। गलती से हमने गलत एंट्री कर दी है क्योंकि हमारा माल फरोख वापसी हुआ था, खरीद वापसी नहीं हुआ था। वेचाण माल परत खाते उधार 1800। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जो खरीद माल किया था, खरीद माल वापसी की एंट्री जो गलती से हो गई थी हमारी, यहाँ पर पुष्पा खाते उधार 1800 ते खरीद माल परत खाते 1800, पुष्पा 1800 ना परत करेला माल ने नोंद खरीद माल परत नी नोंद मा करी तेना। तो यहाँ पर गलती से हमने खरीद माल परत में नोंद कर दी है, जो वो माल हमारा फरोख माल वापसी का था। खरीद माल वापसी, हम जब माल बेचते हैं तो माल जाता है और जब वापस आता है तो वो फरोख वापसी होता है। तो यहाँ पर गलती से खरीद माल वापसी, तो जो जमा किया था यहाँ पर, जो जमा किया था उसकी यहाँ पर हम उल्टी सामने उधार एंट्री करेंगे 1800, और फरोख माल वापसी की सही एंट्री उधारी होती है वो भी करेंगे 1800 ते पुष्पा खाते दोनों का टोटल 19800। मामला जे फरोख माल वापसी ने नोंद भूल थी खरीद माल वापसी में हुई। अब 10वीं एंट्री, फर्नीचर खाते उधार 20000 ते रोकड़ खाते 1800 ते वटाव खाते 2000। इससे पता चलता है हमने कारोबार में फर्नीचर खरीदा, नकद चुकाई 1800 और छूट दी, हम छूट मिली हमको 2000। मामले में क्या लिखा हुआ है? 20000 ना अंगत उपयोग माटे खरीदेल फर्नीचर की कीमत 10% रोकड़ वटाव कापी चुकवी देना। तो यहाँ पर हमने जो फर्नीचर खरीदा है वो अंगत उपयोग के लिए यानी जाती इस्तेमाल के लिए खरीदा है। जाती इस्तेमाल
के लिए खरीदा हुआ फर्नीचर कारोबारी खाते में नहीं लिखा जाता। यहाँ पर फर्नीचर का खाता, फर्नीचर हमारे कारोबार में नहीं आया है तो फर्नीचर का खाता उधार नहीं होगा। छूट का खाता, अरे उपाड़ का खाता उधार होगा। उपाड़ खाते उधार 18,000 और छूट हमको कितनी मिली है 2,000। और फर्नीचर का खाता जो हमने गलती से उधार कर दिया था उसको हम जमा कर देंगे फर्नीचर के खाते में जमा 20,000। मामला जो घर के लिए फर्नीचर खरीदा उसका। लास्ट में पूरा आपको टोटल करना है।